से कॉमेडी विद इमोशंस कंप्लीट थाली है, जैसे इंडियन मील थोड़ी कॉमेडी भी है, थोड़ी सस्पेंस भी है, थोड़ा रोमांस भी है और थोड़ी इमोशन भी है, थोड़ा हंसी, थोड़ी खुशी, थोड़ा गम, यही कहानी। हमने सुना है कि आप गोपी दत्ता के साथ उनके साथ आपने काम किया है और ये आपकी डायरेक्शन डेब्यू है, तो आपके लिए कितना इजी रहा, मतलब चीज़ों को समझना कितना टफ था? बहुत इजी रहा है, बिकॉज मैंने जो जेपी साहब के साथ जो एसोसिएट था बॉर्डर एलओसी रेफ्यूजी, तो इन फिल्मों में मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा, तो मेरे लिए ये कुछ एक ऐसा नहीं था कि कुछ मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ या मुझे कैमरे की नॉलेज नहीं थी या एडिटिंग मुझे नहीं आती या मुझे लेंसेस नहीं पता, वो सब कुछ ईजी हो गया था मेरे लिए। इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट अ नेक्स्ट स्टेप, बिकॉज एसोसिएट डायरेक्टर के ऊपर आप कहीं नहीं जा सकते, नेक्स्ट स्टेप इज डायरेक्टर, यू हैव टू बिकम अ डायरेक्टर। अभी यहाँ पे कौन सा सीन शूट हो रहा था, हमने देखा टीनू जी और प्रीति यहाँ पे थे, तो वो कौन सा सीन था, वो ऊपर की तरफ कुछ देख रहे थे सीन के बारे में? ये सीन ऐसा है कि टीनू जी जो इस फिल्म में जो कि एक इंसान है जिसका नाम है ईश्वर, जो कि विलन है, और उसने क्या किया है वो कभी भी नहीं आता है, लेकिन इस फिल्म के जो बाकी किरदार है जैसे कि हीरो है और उसके तीन दोस्त हैं जैसे कि संजय मिश्रा, राजपाल यादव, मनोज जोशी, ये इन तीनों को उसने लूटा है। अब ये लूट तो जाते हैं, हमारी फिल्म का टाइटल भी यही, हमें तो लूट लिया, लूटा किसने, तीनों आनंद ने, ईश्वर जी ने लूटा है उनको। अब वो सोचते हैं कि आखिर उनकी खुद की मजबूरी है कि अगर वो उस पैसे को वापस हासिल नहीं कर पाते हैं तो संजय मिश्रा की लाइफ में बच्ची है जिसके हार्ट में होल है तो मर जाएगी। उधर राजपाल यादव की एक ट्रेजेडी है कि उसने अपनी वाइफ को जिंदगी भर एक प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे को वर्ल्ड क्रूज पे लेके जाऊंगा, पैसे लूट गया तो वो भी नहीं कर सकता, उसका सपना पूरा नहीं होगा। हमारा हीरो है जो शहर में आया था एक एक्टर बनने के लिए, स्टार बनने के लिए, उसके पैसे लूट गए तो वो भी एक्टर नहीं बन पाएगा, तो वो सब मिल जाते हैं। और हर इंसान में कोई ना कोई खासियत होती है, जैसे कि राजपाल यादव जो है वो एक मेकअप आर्टिस्ट है, तो वो बाकी लोगों को बोलता है कि हम अगर अकेली उंगली है तो हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, अगर हम बन जाए मिल जाएंगे तो हमारा पंजा है, हम उसको हरा डालेंगे। तो ये जो मनोज जोशी का जो कैरेक्टर है, एक जो है कि फैंग शुई, फिर आपकी कुंडली और इसमें इसको महारत हासिल है, इसलिए वो किसी को भी कन्विंस कर सकता है। उधर वो मेकअप आर्टिस्ट राजपाल यादव बोला, लेकिन अगर मैं ईश्वर के सामने जाऊंगा तो मुझे पहचान लेगा क्योंकि मैंने उसकी कुंडली बनाई थी, इसलिए हमारे झांसे में आएगा नहीं, बोला इसके लिए मैं हूँ ना, वो उसको चाइनीज़ का एड्रेस दे देता है और उसको यहाँ पर लेकर आता है। यहाँ पर हवा में जो ये तैर रहा है, जो मनोज जोशी जो के गुरु है हसमुख, ये तैर रहा है, एक ये भी मतलब एक इल्यूजन है, एक ट्रिक है जो आप फिल्मों में देखते रहते हैं, एक ट्रिक है। कि ये ट्रिक इसलिए ज़रूरी है कि जब वो विलन आता है उसको उससे कन्विंस होना चाहिए कि यस ये आदमी कुछ चीज़ है, और जब वो आता है, जब नीचे आ जाता है और उसके बाद जो है कि बाकी लोग तालियां बजाते हैं और वो बोलता है कि तुमको खतरा जो है इससे, तुम सबसे तुम्हारा बुरा दिन आ रहा है, मैं तुम्हारे चेहरे पे देख रहा हूँ, इसलिए बेस्ट क्या है कि तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी, उसने पैसा जो है सब कुछ इन्वेस्ट किया है लैंड के अंदर, बोला इसको डायल्यूट कर दो, और डायल्यूट करके जो है कि सारे पैसे को किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर दो, वो कन्वर्ट के किस में, डायमंड्स, ताकि जो इनको बेटी उनसे मिल चुकी है, ताकि ये अपने पैसे उसको लूट के अपने पैसे वापस, ये कहा।